मट्ठी और अचार। स्वेटर तो पहन। नहीं ठीक हूँ मैं। पता नहीं अब तेरे पापा क्या करेंगे रिटायर होकर। क्यों बॉम्बे चलोगे आप दोनों मेरे साथ और क्या? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? करीब 40 साल पहले तेरे पापा भाग के बम्बई गए थे फिल्मों में हीरो बनने के लिए। पापा ये मिस्टर सिनेमा हॉल मैनेजर हमारे ये हीरो बनना चाहते थे। एक दिन इनका फोन आया, फिल्म में कोई रोल मिला था, बैंगलोर के पास शूटिंग थी। तेरे दादाजी को ये सब पसंद नहीं था ना, कान पकड़ कर ले आए और तेरे पापा यहीं सेटल हो गए। ठान लिया था कि हीरो नहीं बने तो कभी बम्बई नहीं जाएंगे। सिनेमा हॉल में नौकरी कर ली, फिल्मों से जुड़े भी रहे और अलग भी। ओके गूगल, विच हिंदी मूवी वॉज शॉट नियर बैंगलोर 40 years अगो? शोले? ओके गूगल, वेयर वॉज शोले शॉट? रामनगरा। नमस्ते पापा। स्वेटर तो पहनो। जी। मैंने कहा ना तेरे पापा तेरे साथ बम्बई नहीं आएंगे। बम्बई? मम्मी बम्बई नहीं जा रहे, मैं और पापा छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी? हाँ। तुम बाप बेटा जानो भाई, तुम्हारे बीच की बात है। तू ये कहाँ पे लेके आया? ये क्या छुट्टी मनाने की जगह है? 40 साल पहले यहीं तो आना था आपको। शोले की शूटिंग यहीं हुई थी पापा, और यहीं कहीं शायद वो फेमस डायलॉग हुआ होगा ना, कितने आदमी थे। हाँ पापा, एक बार आप भी बोलो ना वही स्टाइल में, बोलो ना पापा। पापा पूरी जिंदगी दबाए रखोगे? कितने आदमी थे। एक बार और। कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। फेमस गब्बर सीन। पापा कितने आदमी थे। चलो बेटा अब चले। अब इतनी दूर आए हैं पापा तो 3-4 लोकेशंस और देख लेते हैं। रस्म रिवाज लिहाज की बंद खिड़कियां खोल के, दिल चाहता है फोन परिंदा उड़ चला आज अलग बोल के। एक धड़कन सो गई थी कच्ची नींद में, उसे थप थपा के जगा के फिर टटोल के। सपना वो सोने का सूरज को छूने का फिर से देख ले, भर के उमंगों को फैला के खलबली सॉन्ग रंग दे बसंती चूम ले। देखो चल बाबरे खुद का ढूंढ ले, चल बाबरे कश्मीर की गली। कुछ तो निभा खुद से यारियां, चल बाबरे खुद को ढूंढ ले। कैसी रही छुट्टी? बढ़िया। पापा कल फिल्म देखें? बैठो। कैसे हो बेटा? विकी नहीं दिखाई दे रहा है। आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते।
हीरो तो आप बन गए, अब तो रिटायर हो गए। हीरो कभी रिटायर नहीं होते पापा। अब तो बंबई चल लो प्लीज। चल बाबू रे।